यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ क्या ये गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इनकम टैक्स कलेक्शन जबरदस्त चल रहा है जीएसटी कलेक्शन जबरदस्त चल रहा है पूरा सिस्टम हमारे देश का टेंडर पे चल रहा है मैं टेंथ स्टैंडर्ड में मेरी वेट था 16 किलो एक मिल दे में मिल जाए अतिका तो मैं बड़ा खुश होता था, था कुछ तो मिला 2016 का एक फुटेज आपने देखा होगा क्रेन शॉट्स हैं उसमें बीच को आप कई किलोमीटर तक देख सकते हैं कि इट्स ओनली डेबरी 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 एंड एंड प्रॉब्लम जो है ना दिखाई ये बीच क्लीन अप का नहीं है खाली कचरे का नहीं है ये माइंडसेट का है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ट्विटर पे एक मैसेज लिखा मेरे लिए कि माय फ्रेंड अफरोज विल फुलफिल ड्रीम तो अमिताभ बच्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ये जर्नी में अमिताभ बच्चन ने मशीनें दी खुद क्लीन अप पे आए एक ऐसा इनजस्टिस देखा दुनिया का सब में बड़ा इनजस्टिस मेरे को लगा हाय हम देश की आजादी का पर्व मना रहे हैं और हर साल इस मौके पर क्या खोया क्या पाया इस पर बात करते हैं चिंतन करते हैं आगे की तरक्की कैसी होनी चाहिए इसका इरादा करते हैं बट वाइल वी डू ऑल ऑफ दिस हमें उन लोगों को जरूर सैल्यूट और सेलिब्रेट करना चाहिए जो हमारे देश के असली योद्धा हैं क्योंकि हर लड़ाई जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती उसके लिए एक साफ मन मजबूत दिमाग और बहुत मजबूत हाथ काफी होते हैं एंड हु बेटर टू एपिटमाइज इट देन अच्छा काम कर रहा है तो ये, ये अवार्ड दिया जाए huh. असल वो नहीं असल देश के लिए कुछ छोटा छोटी चीजें हर हफ्ते करना चाहिए ये असल है अवार्ड मिले या ना मिले क्या नहीं मिलता तो हम नहीं करते करते, hmm. रहते, करते रहते करते रहते देश का मायने क्या है आपके लिए प्यार यार देश ये देश ने क्या नहीं दिया ना ब्यूटीफुल सनलाइट है ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर है ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ये देश ने चुन चुन के हमको चुन चुन के चीज दी और हम उसकी कदर करते नहीं कदर छोड़ी हम सोचते हैं देश से मांगते रहते हैं पूरा टाइम ये जो परिभाषा है बदलनी चाहिए ना तो ये मांगना मांगना ठीक है डेमोक्रेसी में आप वोट देते हो टैक्स भरते हो और उसके बाद कुछ मांगो जरूर मांगो बट कुछ दो भी हम 1.5 बिलियन है ये दुनिया में सात बिलियन में और अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ नौ साल से मैं फील्ड पे हूँ इतना खुश अपने आप को कभी नहीं पाया देश सेवा में जब आप एक तालुका मवाल में काम कर रहे हैं जब एक एक औरत आप डोर पे आती है और उससे आप बात करते रहते हो आपने कभी उनसे मिले नहीं और बात होती है कचरे पे कि मैं मेरा कचरा कैसे कम करूं कम करने के बाद उसको कैसे रिसाइकिल करूँ जो लोग हमको बोलते हैं मैं बोलता हूँ कचरे पे फैमिली बनी हमारी <laughs> कई लोगों की फैमिली ब्लड रिलेशन होती है <laughs> और हो कुछ और एक बड़ा अच्छा जब आप यंग थे तो आपके पास क्या क्या एनर्जी <laughs> थी जब आप बूढ़े हो जाते हैं बट आपने अपने जिसको कहते हैं ना अपनी यूथ <laughs> को इतने खूबसूरती से इतने सही टाइम पे टाइम फ्रेम में इतनी सही जगह इस्तेमाल किया

सोल्यूशन ओरिएंटेड करियर ड्रिवन गोल ड्रिवन गाड़ी चाहिए, चाहिए, चाहिए बचपन में जो हुआ मेरे साथ एक झोपड़पट्टी है विक्रोली में बम खाना वहां पे मेरा जन्म हुआ बॉम्बे की झोपड़पट्टियों में क्या चलता है सब मैंने क्लोज से देखा टॉयलेट बाहर जानी पड़ती थी कचरा कूड़ा ये सब और उसके बाद जब बच्चा ऐसे टाइट सिचुएशन में इकोनॉमिकली पैदा होता है अब उसकी माँ फादर का एक ही कॉल होता है कि जल्द से जल्द कमाओ सही मैंने जब वकालत शुरू की कोर्ट में गया आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट लॉयर आई वॉन्ट टू बिकम ए जज इवेंचुअली बट क्वेश्चन है ये जर्नी सब पे आती है अब वो गरीबी का दौर भी देखा हमने चौदह साल तक फिर उसके बाद हम पढ़े लिखे जो बनना था बने मेहनत करें बट ये दिल में ये था कि ये लाइफ जो है आपकी 65 टू 85 इयर्स के बीच में फ्लक्चुएट होने वाली एक. दूसरा जो हालात से आप निकले जो तकलीफ से आप निकले क्या वहां कुछ राहत आप दे सकते क्या अगर मैं गरीबी से निकला तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था मेरे जैसे कई बच्चों में बहुत शायद बच्चा था मैं स्टैंडर्ड में आ, मेरी वेट था सोलह किलो आप कहीं इमेजिन कर सकते हैं खाने की कमी इतनी जबरदस्त क्या आपको मैं बता नहीं सकता आ, एक अच्छा मील हाँ थे हाँ थे? हाँ एक मील दे में मिल जाए अतीका तो मैं बड़ा खुश होता था, था कुछ तो मिला अब ये पावर्टी से उठना उठने के बाद फॉर्चून का व्हील पटपट चलने लगता है कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए लाइफ में मैं, मैंने सब कमाया खूब मेहनत करके कमाया और जो भी यंग लोग रह रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ खूब मेहनत करो आप जैसे इकोनॉमिक डिप्राइव सेक्शन से आते हो तो खूब मेहनत करो और डबल मेहनत करो कि दुनिया को गलत साबित करो कि हम लोग जो निचले तबके में फंसे लो हुए लोग हैं वो ऊपर आ सकते हैं इसलिए एक एक प्रोग्राम आती का बहुत अच्छा रन करता हूँ दस बच्चों का ग्रुप ये टाइम मेरे साथ चल रहा है जिनको हम बोलते हैं यंग सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सब स्लम से है, क्रिकेट खेलते हैं खूब है, अच्छे क्रिकेटर है प्रोफेशनल ट्रेनअप हो रहे हैं तो किस तरह उनको देश प्रेम में जोड़ा जाए और उम्र उनकी बारह से सोलह साल जो मैंने देखा मैंने सीखा ऐसा लगता है देश को देना चाहिए सही बात है आर्मी में कहते हैं ना नाम नमक निशानी mm -hmm. और सर्विस बिफोर सेल्फ yeah. कई लोग आर्मी में होते नहीं है लेकिन आर्मी ऑफिसर जैसा किरदार mm -hmm. उनके अंदर होता yes. है आई गेस यू आर अ वॉरियर अ सोल्जर एट हार्ट इवन दो यू आर नॉट इन अ यूनिफॉर्म 2016 का एक फुटेज आपने देखा होगा एक्चुअली यूट्यूब पे जैसे आप अफरोज़ शाह का नाम लिखें तो वो कुछ एक विजुअल्स आते हैं क्रेन शॉट्स हैं mm -hmm. और उसमें बीच को आप कई किलोमीटर तक देख सकते हैं कि इट्स ओनली शुरू किया ये yeah. दो हजार पंद्रह अक्टूबर मैंने yeah. फ्लैट में शिफ्ट हुआ मार्च 2015 को बरसो hmm. में और छह महीने तक सोचता था करूं क्या अब hmm. देश सेवा भी करनी थी hmm. एक देश सेवा मैंने देखी थी जब जज के साथ मैं काम कर रहा था Judges, लोग form of देश से करते हैं। फिर यहाँ के मैंने जब वो घर खरीदा hmm. तो मैंने एक ऐसा इंजस्टिस देखा hmm. दुनिया का सब में बड़ा इंजस्टिस मेरे को लगा एक बीच है hmm. उसके ऊपर साढ़े पांच फीट तक कचरा अब एज ए लॉयर मेरा दिमाग चलने लग गया कि क्या किया जाए छह महीने सोचता रहा बहुत आसान था मेरे को कोर्ट hmm. uh, में जाकर so, hmm. oh, hmm. hmm. हलफनामा बुलाती है एफिडेविट लाइए म्यूनसिपल कमिश्नर का बताइए क्यों नहीं किया, आपने क्लीन। hmm. फिर उसके बाद जजेस ऑर्डर पास करते हैं मैंने बहुत सोचा कि जजेस के ऑर्डर क्यों ना हमारे हाथ बन जाए ये हाथ जो है जजेस के ऑर्डर बन जाए बिफोर ए जज पास एंड ऑर्डर देखिए हम लो 7 लोग सात बिलियन लोग हैं दुनिया में 1.5 बिलियन यहाँ हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा आपसे पूरे 24 घंटे आधा घंटा भी जिसको बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग जो यंग पीपल है मस्त लर्न दिस कॉन्शियस लिविंग हम ये दुनिया में अकेले नहीं है दूसरी स्पीशीज भी हैं क्या हमारे राइट उनके वहां जा रहे हैं उनके राइट्स को तो ये छोटी छोटी चीजें वो 2015 में जो आपने बताया वो पिक्चर छे मैंने सोचा मैंने बोला राइट्स को बैलेंस कैसे करें और फिर मैंने शुरू किया एक बड़ा ही गांधी महात्मा गांधी मुस्कुरा मुस्कुरा के <laughs> अब रोज की पता है सबसे अच्छी आदत क्या है वो ये आपको जोर नहीं डालेंगे कि अरे आप कुछ कर नहीं रहे हैं आप नहीं एंड आपके दिल में ये आरजू जग जाती है कि भले ही वो देखने में कितना मक्खी काम लगता हो मैं जाऊंगी बिकॉज इतने प्यार से बुलाते हैं सबको क्योंकि प्यार की कमी है दुनिया में आप देखिए सोशल मीडिया में जो भी लोग हैं आप जाइए ट्विटर पे कंप्लेन बॉक्स अब्यूजेस कोई प्रधानमंत्री को चिल्ला रहा है कोई कोई अपने लोकल म्युनसिपल कॉपोरेटर को गा देना बहुत आसान है बट कुछ थोड़ा अपनी तरफ से करना और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनको फ्री छोड़िए डेमोक्रेसी में कानून है रूल ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है आप उनको अपहोल्ड कीजिए हाँ। और फॉलो कीजिए और जो करना है बट उसके अलावा आपका भी आप तो महात्मा गांधी सेड यू कैन चेंज द वर्ल्ड वेरी जेंटली यू कैन चेंज द वर्ल्ड वो उसी तरह आती क्या अगर आप किसी के साथ लव में पड़ गए क्या आप उसको बोलेगे चलो डेट पे हाँ। आ जाओ <laughs> आप हाँ बड़े नरम नरम अंदाज अंदाज में हाँ में में बोलेंगे हर आदमी को प्यार प्यार चाहिए दुनिया में प्यार की कमी है देखिए हाँ। हम बॉम्बे में झोपड़पट्टी में काम करते हैं अतिका हाँ। आपको बिलीव नहीं होगा एवरी पर्सन इज ट्रबल्ड है हाँ, हाँ। उसकी जिंदगी से वो परेशान है उसके इक्वेशन देश से जो है उससे परेशान है उसके फैमिली से परेशान है वो फिर ये सब मेली आपको देखने के बाद ऐसा को लगा कि प्यार की कमी है और हम प्यार बिल्डअप जो है आपको बिलीव होगा ये पूरा कार्यक्रम हम रन करते हैं खाने पे खाना हा, और हा, प्यार हा, का हा। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन होता है वो बताइए क्या था। था। आप मेरे घर पे आइए सैटरडे को कम से कम मेरे घर पे आप हर सैटरडे मॉर्निंग को पचास से सौ लोग खाना खाते हैं <laughs> कोई बनाता है कोई खाता है तो और <laughs> गांवों में हम जैसे अभी तालुका माहौल में हम जाते हैं वो गांव में पहले ही जाते हैं हम ढूंढते हैं कि कौन अच्छा खाना बनाने वाला उधर है उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं शाम को हम आएंगे चार घंटे के लिए ये दिन है आप खाने की तैयारी करो तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारे देश में जो है ना क्या ये गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इनकम टैक्स कलेक्शन जबरदस्त चल रहा है जीएसटी कलेक्शन जबरदस्त चल रहा है पूरा सिस्टम हमारे देश का टेंडर पे चल रहा है क्या जो बोलते हैं टेंडर निकालो Outsource. और ट्रांसपेरेंट रहो मतलब कम से कम एल बोलते हैं हम लोग लॉ में लो इज और सब अगर टेंडर से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम होता था, था आप अपनी फैमिली में भी टेंडर लग आप बोलते मेरी माँ को आज ये संभाले मेरे बच्चे को ये संभाले अब ये हो नहीं सकता हम सोशल बींग है वही जो जोन में है अभी महात्मा गांधी देखिए आप दो कपड़े में हमारे फादर ऑफ द नेशन खड़े रहे अब टेंडर क्या बोलता था उनको कि वकील बन जाओ कोर्ट में जाओ और कमाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सबकी लाइफ जवाहरलाल नेहरू यही रही छोटे छोटे बच्चे के खुदी राम बोस है फ्रीडम फाइटर आप देखिए वो अठारह साल का लड़का आज के जनजी को बोला जाए या किसी को आज बोला जाए कि आप इसको रिएक्ट करो तो वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई अभी ए आई का माहौल है करेंगे वो अठारह साल का बच्चा बोलता है नहीं नहीं मैं रिएक्ट करूंगा मेरे देश प्रेम पे ये कौन जज है जो हमारे देशवासियों को फांसी लगा रहा है अब देखिए कल के इवेंट्स देखिए बांग्लादेश में

वे बीच क्लीनअप से लेके सर्कुलर इकोनॉमी बोलते कचरा हाँ, कैसे कम किया हाँ, हाँ, अच्छा जाए सर्कुलर सर्कुलर हाँ, जो, हाँ, जो हमारे बीच को मैं इंग्लिश में बोलता था प्लास्टिक ग्रेवयार्ड वो कोई समुन्दर का किनारा नहीं लगता था ऐसा लगता था प्लास्टिक को दफनाया गया उधर ला ला के खोद खोद के और टनों के हिसाब से अब से आया क्यों आया जब स्टडी की हमने तो मालूम पड़ा ये सब लैंड बेस्ड है तब घरों में वो एंटर करना और ये गांधी अप्रोच जो है ना ये बड़ा काम कर रहा क्योंकि प्यार से सब जीत जाते हो आपको बिलीव नहीं होगा एक लेडी क्या मैं एग्जांपल दे दू मीठी नदी पे कि उसको साबन यूज करती है ऑलरेडी अभी आप साबन देखोगे आप जो भी साबन लेते हो चार पैकिंग आती है अननेसेसरी 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 गार्बेज अन्नेसेस्री प्रेशर पे मतलब फोर हो गया ना फिर तो अनुबेजरी वो लेडी को मेरे को सिखाना था कि उसको ऐसा साबुन दो बिना पैकेजिंग के हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूड सोप्स अच्छा। हम सोप्स देते हैं विदाउट पैकेजिंग डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है कंटेनर में देते हैं तो मैं कम से कम मोर देन फोर्टी टाइम्स उसके पास गया वो फिर चालीस दफा ओवर पीरियड ऑफ टू ईयर्स जाने के बाद फिर एक दिन उसने वो सोप ले लिया जर्नी कंप्लीट हो गई इंडिया में बड़ा अच्छा सिस्टम है बल्क पैकेजिंग बोलते हैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुल अभी जहां टी गार्डन होते हैं वो थोड़ी पैकेट में डालते हैं ये हाँ। तो ये मार्केटिंग कंपनी वाले आपकी सहूलत के लिए वो हमेशा मैं एक वर्ड यूज करता हूँ लाइफ ऑफ कन्वीनियंस आपको लाइफ ऑफ कन्वीनियंस से लाइफ ऑफ एग्जिस्टेंस पे जाना है वो जर्नी आपको पूरी करनी है अभी चाय की पत्ती आपको बताया तीस तीस चालीस किलो के उसमें आती है गोनी में आप जाए होलसेल में और आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं पॉइंट्स बनाते जैसे हमने शॉप्स खोल दी उसको अपने कंटेनर में ले जाना है बहुत ही आसान आपकी चॉइसेस को हम नहीं स्नैच करें आप जो खाना चाहें खाएं हेल्थ रीजन अनहेल्दी रीजन उसमें भी हम नहीं पड़ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्लास्टिक पोल्यूशन है जो ये जो प्लास्टिक भी नहीं कई लोग नहीं। प्लास्टिक को गालियां दे रहे हैं ये भी गलत है प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम है हाँ लार्जर पिक्चर है आप अगर रिफाइनरी को बंद कर दें ऑयल रिफाइनरी को प्लास्टिक को भी बंद कर दें फिर हम भी जियेंगे उसके बिना पेट्रोल डीजल के बिना वी आर ऑल फॉर इट बट वो होने वाला नहीं है सात बिलियन लोग हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जो कंपनीज मेरे को सुन रही है जो 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 डिजाइनर्स वहां बैठे हैं जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग पे खाली ये मत देखिए कि हमारे ह्यूमन बींग का क्या फायदा हो रहा है उस देखिए कि ये पैकेजिंग की वजह से जब डिजाइन होगा yeah. ये कहाँ जाएगा ये मच्छी के पेट में जाएगा क्या है? आपको बिलेंगे ना एक टोटल हमारे वहाँ आया था बहुत ही दुखद दिन था मैं रोता था बीच पे उस दिन एक टोटल मदर टोटल आई थर्टी टू थर्टी सिक्स ईयर्स की एज थी टोटल hmm. बहुत जीते डेढ़ yeah. सौ साल उसके मुंह में प्लास्टिक उसके इनस में प्लास्टिक और एक खेकड़ा उसको पकड़ा हुआ था टॉर्चर डेथ हो रही है और ये हमारी लाइफ ऑफ कन्वीनियंस आपको चाहिए आपको चाहिए कॉफी का मग अभी देखिए मेरा बैग आप खोलिए बहुत सिंपल है जो जो यंग लोग के बड़ा सिंपल है आप हो गए दूसरे स्पीशीज को प्यार करने वाले oh, nice. आसान है तीन oh, nice. चीज करने और बहुत ईजी आप क्यों नहीं करते हैं आप ये दुनिया बदलने नहीं ये रॉन्ग इम्प्रेशन में मत रहिए आप खुद को बदलने आए हैं यू हैव हैंड्स बट इन हाथों ने क्या क्या कचरा साफ किया है <laughs> क्या क्या नहीं पिकअप किया ये बताइए <laughs> okay. आप आप अगर बीच क्लीनअप पे आए या <laughs> मैंग्रो क्लीनअप पे आए <laughs> हम एक स्पेशल क्लीनअप करते हैं बोट से आपने देखा नहीं होगा <laughs> हमारी छोटी छोटी बोट्स हैं डिंजी बोट्स बोलते हैं हम <laughs> बारह बोट्स <से> हैं हमारे पास <laughs> मुंबई के किनारों किनारों में अंदर अंदर सी में घुस घुस के साफ करते हैं आप वो क्लीनअप पे आप देखेंगे जो कचरा आपके घर पे दिखाई देता है आपके मसाले के पैकेट आपके नूडल्स के पैकेट आपकी हर चीज़ वहाँ मिलती है यानी कोई चीज़ ऐसा उन्होंने यहाँ तक के ये ये जो गद्दे हैं घरों में गद्दे यूज करते हैं वो तक फेंक दिए वहाँ पे देखिए एक बार आपने फेंक तो दी आते का

IFS officers do <laughs> and and you you know very senior bureaucrats do. Let's talk about how you have kind of strengthened the the relationship that India has with other <laughs> countries and all the international key figures डि गवर्नमेंट गोसाइटी वाले हैं, जो citizen है hmm. जो कुछ ना कुछ देश के लिए planet के लिए करना चाहते हैं वो सिस्टम भी बहुत इफेक्टिव है बट वो कन्फाइंड रीजनल बाउंड्रीज में है okay. जैसे इंडिया में कोई काम करता है तो वो इंडिया में ही उसकी बातचीत होती है बट चूंकि ये ओशन सब जगह है यही ओशन अफ्रीका में भी है सब ओशन वर्ल्ड के कनेक्टेड है तो ये ओशन का कॉमन कनेक्शन हम सब लोगों को वो कॉमन ग्राउंड दे रहा है तो मैं जब काम शुरू किया तो जब ये सोशल मीडिया पे आए और फिर रिपोर्टिंग होने लगी और हमारा काम बड़ा कंसिस्टेंटली था बोले ना हर हफ्ते हर रोज हर हफ्ते कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड लेवल पे लोग सोचने लग गए ये क्या चालू है और आपको बताऊँ जैसे वर्ल्ड लीडर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ ईयू यू में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी नोविजन पोलिटिशन मिनिस्टर्स आप उनसे मिलना फिर आपके आप तो वो कंट्रोवर्शियल यू, के के नहीं कर रहे थे रहे थे 2018 में मैं वर्ल्ड यूथ गेम्स में सोची में बात कर रहा था चालीस <laughs> बच्चों से उसके बाद आ, मेरा लंबा कॉन्वर्सेशन चला दस पंद्रह मिनट के और उन्होंने यही बोला कि अफरोज जो इनपुट्स आप दे रहे हैं तो हम रशियन के लॉ में भी इसको आने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो हाईएस्ट यूएन बॉडी है yeah. वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे वो बोल चुके हैं कि उनका एक ग्लोबल सी कैंपेन लॉन्च हुआ huh? वर्षो व बीच की वजह से तो कोई हिंदुस्तानी अपने आप को कम ना समझे कि हम वर्ल्ड लीडर्स दूसरी चीजों में भी नहीं बन सकते तो यूरोपियन यूनियन यूएस की गवर्नमेंट से सब काउंसिल के साथ हम काम करते हैं बट उसका इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि हम क्या दिखा रहे हैं उनको क्या हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे वहाँ प्रॉब्लम है और हमारे वहाँ सोल्यूशन नहीं है हम उनको वो एक इंग्लिश में कहावत है क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच हम उनको बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने से और ग्रेव तक जाने से जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है हम सब सोल्यूशन आपको दे रहे हैं उसमें आपको मैं घिनाता हूं जो बॉम्बे में बॉम्बे से जो मुंबई से जो इंस्पिरेशन लोगों को जा रहे है एक आपके जो बीचेस साफ हो रहे हैं फिर आपके मैंग्रोव साफ हो रहे हैं फिर आपके ओशन साफ हो रहे हैं ये तो हो गई जो हम क्या बोलते हैं लेगेसी बेस उसका दूसरा पहलू लीजिए

तो आपको बिलीव नहीं होगा ये मुंबई के स्लम्स में हम लोग और पूरे मिडिल इनकम ग्रुप पे सोसाइटीज में प्लास्टिक फ्री शॉप्स चलाते है, हैं मोबाइल शॉप्स चलती हैं अभी गांव में हम जाते हैं हमारी जो गाड़ी है वो पीछे मोबाइल शॉप बन जाती है वो जाती है वो गांव में रुकती है वो सब चीजें बिना तो हमारी संस्कृति हमारा कल्चर इंडिया का जो हम बोलते हैं ना हमारा कल्चर हमारा हिस्ट्री बहुत ही सस्टेनेबल है और वो सस्टेनेबिलिटी अभी फिट टर्न करके लानी है लाने के बाद नहीं तो वो जैसे मैंने आपको बोला ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो डिवाइड हो गया है एनवायमेंट हाँ। जै, जैसे अब यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो है वो बहुत साल एडवांस रही उन्होंने पेट्रोल डीजल सबका इस्तेमाल किया बराबर से कंट्री को आगे क्या अब अब वो हमको आके बोलेंगे कि आप ये मत करो अब हमारा ग्रोथ फेज चालू है तो ये बैलेंस कैसे ड्रॉ करना है? ये काम बहुत बड़ा गया अभी देखिए नॉर्वे के साथ जो काम करते हैं इंडिया और नॉर्वे गवर्नमेंट का साइन अप हुआ नहीं। 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 एक काम हम ले गए उधर 2017 में सूत्रा करके एक वहां पे वेल मर गई थी वेल के अंदर एक किलो प्लास्टिक निकला तड़प तड़प के वो वेल वहां मरी हम हम गए उधर उसका इनोग्रेशन हुआ वहां साफ सफाई की हमने में न्यूयॉर्क और वो बेसिस पे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इंडिया से बिल्डअप किया जो 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 सुन रहे हैं यंग लोगों मछलियों yeah. के, है। है। के पेट में जो मिल रहा है ना इससे मनुष्य जाति बहुत दूर नहीं है इंडिया हैज बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड एंड नोबडी बडी नोज वाई हमको समझ में नहीं आ रहा अगर किसी को कैंसर हुआ था तो वजह क्या थी प्लीज लिव अंडर नो इल्यूजन ये जो प्लास्टिक आप भेज रहे हैं वो वापस hmm. आप ही के खाने में आ रही है एंड दैट इज बींग फाउंड इनसाइड ऑफ यू व्हिच इज कॉजिंग कैंसर ब्लड में फाइंड हो रहा blood है ब्लड में हर जगह पीसेस में आप टॉयलेट करते हैं वहां निकल रहा है आपके हार्ट के वाल्व में निकला है आपके ब्रेन है ना ब्रेन और वो जो छोटे मेंब्रेन है उसमें मिल रहा है तो आप अब वो साइंटिस्ट बताएंगे बट बहुत ही खतरनाक सिनारियों आपके सामने आ गया है, है एक, एक मामूल सी पेड बॉटल है पानी पी रहे हैं वो एक आपको बताओ एक पेड बॉटल में आप पीते हैं ना जब कुछ भी चीज़ प्लास्टिक में बीस बीस तीस तीस हजार माइक्रो प्लास्टिक निकलता है टी खड़कपुर की एक रिपोर्ट है आपको मैं बता दूं ये जो हम पेपर कप बोलते हैं ना चाय पी रहे हैं पेपर कप वो पेपर कप नहीं होता प्लास्टिक लैंड होता है और आप उसमें जैसा गर्म चाय कॉफी डालते हो फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड माइक्रोप्लास्टिक और वो, हमारे और वो पीते हैं फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड में हमारे ब्लड में है आप अगर चेक करोगे तो सीनारियो बहुत ही ग्रिम है बट सोलूशन सिंपल है माइंड को बदलिए मैं आपको बता दू जो यंग लोग देख रहे हैं तो एक ट्रेंड निकला था गेट रेडी विद मी जी आर डब्ल्यू एम बोलते हैं उसको तो मैंने एक स्कूल में बड़ी लंबा कॉन्वर्सेशन डेढ़ घंटे का मैंने किया बच्चों के साथ ये गेट रेडी विद मी किस किस फॉर्म ले सकते हैं अब इंस्टाग्राम पे एक ही फॉर्म बताया गया क्या हाँ, था कपड़े पहनना हाँ वो ऐसे आते थे हाँ। फिर पहनते थे और वो <laughs> थर्ड ट्वेंटी सेकेंड चलता था दे फाउंड इट कूल अभी मैंने बताया गेट रेडी विद बीच क्लीनअप पे, तो हाँ, <laughs> <ग्लावस। laughs> क्लीन पे हो तो क्या हो आट, आपकी जो वॉल्टियर आर्मी है वो ब्रीफ में बताइए कितनी बड़ी हो चुकी है एंड द बिग नेम्स दैट वी नो

हाँ वो छोटे-छोटे बच्चों को जब देखोगे बीच पे आते हैं ग्लव्स पहनते हैं आइडियाज और, और सोच लाते हैं अनप्रेसिडेंटेड हाँ। एक सात साल की लड़की से हम कॉन्वर्सेशन रहे थे ये हाँ। जब बेकरी के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हाँ। बिस्किट्स खारी ये सब जो हाँ। खाते हैं सब पैकेट में आता है तो मैंने उनको बता रहा था कि नियरेस्ट बेकरी में जाके अपने कंटेनर में कैसे लेना तो वो दो तीन हफ्ते के बाद फिर आई पे और फिर जब हमने माइक पे उसको बुलाया वो बोली मैं शेयर करूंगी हाँ। माइक पे एक सात साल की बच्ची बोल रही है कि मैंने चेंज कर दिया अब ये ये चीजें आपको देखने के बाद यू कांट हैव ग्रेटर फीलिंग देन दिस दैट ईयर ओल्ड आई वॉन्ट टू लिव पीसफुल इसके साथ जो जाने माने लोग थे और जो खाली जाने माने नहीं बोलूंगा उनको मैं बोलूंगा कि वो पैशनेट लोग थे अंदर से जिन्होंने मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है आ, वो बहुत सपोर्ट किए ये ट्विटर पे शायद ही कोई कभी होगा जब उन्होंने मन की बात में बात किया और ट्विटर पे एक मैसेज लिखा मेरे लिए कि माय फ्रेंड अफरोज विल फुलफिल बापूस ड्रीम और उनको मैंने रिटर्न जवाब में भी यही लिखा कि हम सब दोस्त कचरे पे बने फैमिली कचरे <laughs> पे बने ये सब में इम्पोर्टेंट uh, दोस्ती होती है <laughs> फिर आपके फिल्म इंडस्ट्री तो अमिताभ बच्चन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा ये जर्नी में अमिताभ बच्चन ने मशीनें दी खुद क्लीन अप पे आए जैसे भूमि पेड़ नहीं करे वो रेगुलर हमारे साथ दो हजार उन्नीस में थे। पूजा भट्ट भट्ट फैमिली से संदीप पूजा तो बिल्कुल एक वॉल्टियर की तरह आके खूब काम करते थे जैसे तो करविन बोरा रेगुलरली हमारे क्लीन पे होते थे टीवी तो ऐसे कई लोग जो पैशनेट फील करते हैं और बोलते हैं ना इंग्लिश में बर्ड्स ऑफ़ ए फ्लॉक टुगेदर तो जब पैशन है तो फिर जुड़ना ही चाहिए <laughs> और अभी कोई देख रहा है अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं कॉर्पोरेट्स हैं या गवर्नमेंट है या आई एस ऑफिस है अगर आप हमारे जैसा सोचते हैं तो फिर साथ में मिलके तैरना चाहिए छोटी सी कम्युनिटी बनाइए पर्टिकुलरली पानी की वाटर बॉडीज के लिए बिकॉज uh, साथ अकेले चले थे बट बहुत बड़ा काफिला बनता गया है एंड ही इज एन असली योद्धा यू कैन बी असली योद्धा ऑल ऑफ अस कैन बी असली योद्धा ओनली इफ यू वॉन्ट टू हैं, में दो घंटा कुछ न कुछ कीजिए ये खाली एक अफरोज की बात नहीं है एक असली योद्धा की बात नहीं है हम 1.5 पॉइंट फाइव बिलियन एटलीस्ट दस मिलियन तो असली योद्धा क्रिएट हो जाए दस मिलियन तो लोग बाहर निकले ये देश में जो जो सिटी में है जो जो टीयर वन सिटी टीयर टू टीयर थ्री छोटे गाँव में बाहर निकल के लिए देश के लिए कुछ करना पड़ेगा और हर आदमी जिस दिन असली योद्धा बन जाए तो हम जीत हो गए हमारे थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लेजर टू बी ऑन दिस शो ग्रेट थैंक यू थैंक यू